नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं गर्ल लड़की के लिए इनर लेकर आई हूँ। ये देखो, ये मैंने गला वी गला और छोटी ये बेल्ट की तरह मैंने बनाया है, स्टेप्स छोटे स्टेप्स की तरह बनाया है। ये देखो, मैं थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन डाला है। ये देखो, यहाँ सीधी सीधी सिलाइयाँ मैंने चढ़ाई है और ये मैंने थोड़ा डिज़ाइन डाला इसमें। ये आपको डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। मैंने 68 फंदे डाले हैं क्योंकि इनर थोड़ा टाइट ही अच्छा लगता है। 68 फंदे डाल के मैंने ये डिज़ाइन डाला, ये आपको सिखाती हूँ। ये देखो, दो सीधे, दो उल्टे, फिर दो सीधे, धागा आगे करके दो उल्टे, धागा पीछे करके दो सीधे, उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में जैसे जैसे नजर आएंगे वैसे वैसे आपने बुन लेने। पहले दो उल्टे आएंगे, फिर दो सीधे, फिर दो उल्टे, फिर धागा पीछे करके दो सीधे, फिर धागा आगे करके दो उल्टे। ऐसी आपने चार सिलाइयां चढ़ानी है। दो हो गई, दो और डालेंगे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे। देखो, उल्टी सिलाई भी। दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे। अब हमने डिज़ाइन को थोड़ा चेंज करना है। फिर जहाँ सीधे थे जहाँ हमने वहाँ उल्टे डालने, दो उल्टे आ जाएंगे, उल्टे के ऊपर हमारे सीधे आ जाएंगे, सीधे या इनके ऊपर हमारे उल्टे आ जाएंगे। जो उल्टे हैं इसके ऊपर हमारे सीधे आ जाएंगे, सीधे के ऊपर उल्टे। उल्टी सिलाई जो हमने उधर उल्टे थे वो इधर सीधे आ जाएंगे, जो उधर सीधे थे इधर उल्टे आ जाएंगे। सेम वैसे ही दो सीधे, दो उल्टे। चार सिलाइयां हमने ऐसी चढ़ानी है। ये देखो, ऐसे बन जाएगा। अब हमने ये मेरा पीछे वाला हिस्सा था, आगे वाला हिस्सा ही मैंने इतना ही बनाकर रख लिया। और आपको मैं ये कटिंग डालना सिखाती हूँ। ये मैंने पूरा बनाकर एक सिलाई मैंने सीधी सिला ली पूरी। अब हमने आधे आधे फंदे कर लेने हैं। आधे आधे फंदे करने हैं हमारे। अब हमने देखो क्या करना है। पहले हम चार फंदे सीधे ये बॉर्डर बना लेंगे, ये वाला बॉर्डर की रखेंगे। फिर हमने एक फंदे को ऐसे उल्टा कर सीधा कर लेना और दो का एक कर देना।
बाकी फंदे हम हमने आधे आधे फंदे करने हैं, दोनों तरफ से एक जैसा ही गला बनेगा। इधर भी हम दो का एक करेंगे, उसके आगे चार फंदे का हमने बॉर्डर बनाना है। ये देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये देखो। अब हमने जहाँ से हमने मोड़ लेना, क्योंकि हमारे दोनों तरफ से हमारे आधे आधे फंदे हो गए हैं। जो मैंने 70 फंदे डाले थे, 35-35 फंदे हमारे हो गए। अब हमने पहले थे चार फंदे सीधे बुनेंगे, जो फंदे हमने दो का एक किया था उसको हमने उल्टा बुनना, एक फंदा हमारा उल्टा, फिर हमारे सीधे, दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे। दोनों जो जो फंदा हमने एक दो का एक करना है उसको हमने उल्टा ही बुनना है। बाकी पूरी सिलाई हमारी सीधी, दोनों तरफ से सीधी सीधी आएगी, दोनों तरफ से। ये देखो, ये चार फंदों के पहले एक फंदा हमारा उल्टा आएगा, उल्टी तरफ से। सीधी तरफ से तो पूरी सीधी सिलाई आएगी, उल्टी तरफ से दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे। सीधी सिलाई, चार फंदे हमारे पहले सीधे, फिर यह फंदा हमने दो का एक करना, इसको हमने ऐसे, ये देखो, ऐसे उल्टा के पीछे से दो का एक कर देना, क्योंकि हमारी चेन चेन सी जो बन के आए। ये पूरी सिलाई सीधी, ये जो सीधा ये फंदा है हमारा दूसरी तरफ से उल्टा आएगा फिर, क्योंकि हमने सीधा सीधा इसको रखना है, चेन बनानी है इसकी। ये देखो, ये चार फंदक से पहले हमने दो का एक करते जाना, दोनों तरफ से हमने, इधर गला बन रहा है, इधर हमारा मुंडे की कटिंग हो रही है, बाकी चार फंदे हमारे सीधे। उल्टी सिलाई, पहले फंदा उतारना, फिर हमने चार फंदे सीधे बुन लेने, दो तीन और चार, फिर फंदा हमारा एक उल्टा और फिर हमारा सीधा। बस दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे, आप दोनों तरफ से फंदे कटाते जाओ, एंड में आके आपके नौ फंदे रह जाएंगे। नौ फंदे जब रह जाएंगे, फिर आप ऐसे सीधी सीधी सिलाई, हमने एक फंदा उल्टा बुन के बाकी सीधी सीधी सिलाइयां आपने चढ़ानी है। इतना बुन लो आप, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। होपफुली आपको समझ लगा होगा। ऐसे पूरा आप उल्टी सिलाई में दो फंदे उल्टे आएंगे और सीधी सिलाई में पूरे सीधे सीधे जाएंगे।
इतना आप कर लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना हो गया। अब हमारे फंदे जो बचे हैं ना, चार फंदे तो सीधे ही, फंदा ऐसे उल्टा देंगे, दो का एक, ये फंदा हमारा एक बचा है, इसलिए इसको हम बंद कटाएंगे नहीं, इसे ऐसे सीधा ही बुन लेंगे। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएं इकट्ठे, एक और दो। बाकी सीधे, सीधी सिलाई, जो दो फंदे सीधे आए ना, जो इन दोनों का हम एक कर देंगे। अब हमारे नौ फंदे हो गए, चार ये एक ये वाला, अब एक फंदा ही उल्टा आएगा बीच में। उल्टी सिलाई, अब एक फंदा ही उल्टा आएगा, बाकी सीधे, एक फंदा उल्टा। इसी तरह हम दूसरा साइड भी बना लेंगे। ये देखो मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, ये सीधा सीधा आप ऊपर तक बना लो। इतना बनाकर फिर आगे आपको मैं, अब दूसरी तरफ ही ऐसे जैसे हमने ये वाले बनाया ना साइड, ऐसी हमने ये वाली साइड बनानी है। दोनों साइड आप बनाकर आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो पूरा मैंने तैयार कर लिया, एक साइड मैंने तीरे की जोड़ दी, अब दूसरी साइड अब जोड़ने जा रही हूँ। ये देखो दोनों तरफ से एक फंदा हमने लेकर बंद कराएंगे। आप सिलाई सुई के साथ भी कर सकते हो और सिलाई के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लो। ऐसे पूरे आप फंदे ऐसे ऐसे बंद कर दो। ये देखो पूरा बनके तैयार हो गया, एक साइड मैंने सिलाई कर दी और दूसरी साइड आपने ऐसे सिलाई कर दोगे इधर भी। और ये तीरे ये मैंने 26 सिलाइयां मैंने डाली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 छब्बीस सिलाइयाँ मैंने ये डाली। आपने लंबा स्ट्राइप करना हो तो और भी डाल सकते हो, मैं अपने बच्चे के हिसाब से इतनी डाली है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।